नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है वो खुशी की लहर छात्रों के अंदर आ गई है। दोस्तों, क्या है खुशी की लहर, उसकी वीडियो अपन जो है वो पूरी बात करते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल कॉलेजों में जो है वो 450 से ज़्यादा जो है वो सीट अब बढ़ने वाली है नीट की राजस्थान में। तो दोस्तों, ये निकल के आई है कि नीट काउंसलिंग के बीच मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर आई है। एमसीआई ने देश भर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ाई है। इनमें प्रदेश के 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 450 सीट बढ़ाई गई है। अब प्रदेश में कुल 3200 सीटें हो गई है। इस बीच इन सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिसका नाम है EWS को 10% सीटें आरक्षण पर की देने की जो है वो मांग की जा रही है छात्रों के द्वारा, क्योंकि अभी तक जो है वो राजस्थान के अंदर यहाँ पे ये लागू किया नहीं गया है। तो इस पर भी मैं बात अपन आगे करेंगे। दोस्तों, किन किन कॉलेजों में सीटें बढ़ी है बात कर लेते हैं। RNT कॉलेज उदयपुर 50 सीटें बढ़ाई है, अब 200 सीटें हो गई है। JLN कॉलेज अजमेर 50 सीटें बढ़ाई है, 200 सीटें हो गई। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ 50 सीटें बढ़ाई है, 200 सीटें हो गई। RUHS कॉलेज जयपुर 50 सीटें, 150 सीटें अब टोटल हो गई। मेडिकल कॉलेज भरतपुर में 50 सीटें बढ़ा के 150 हो गई। मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा के अंदर 50 सीटों का इजाफा करने के बाद अब 150 सीटें हो गई है। मेडिकल कॉलेज चूरू के अंदर 50 सीटें बढ़ाने के बाद अब 150 सीटें हो गई। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के अंदर 50 सीटें बढ़ाने के बाद अब 150 हो गई। मेडिकल कॉलेज पाली के अंदर अब 50 सीटें बढ़ाने के बाद 150 हो गई है। तो दोस्तों, अब ये छात्रों के लिए खुशी की लहर आ गई है, जिसके अंदर 450 प्लस जो है वो सीटें अब राजस्थान को मिलने वाली है। प्रदेश के अंदर भी खुशी की लहर है और देश के अंदर भी खुशी की लहर है। क्यों है? क्योंकि अन्य राज्यों के अंदर भी जो है वो अच्छी सीटें वहाँ पे बढ़ाई गई है। तो उनकी भी वीडियो जो है वो आपको आज शाम को तक मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये मकसद है कि उन छात्रों तक पहुँचाना। दोस्तों, इस बार की कट ऑफ में आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर 550 कट ऑफ जो है वो गया है, 550 वालों का नंबर आएगा। लेकिन 450 सीटों का इजाफा होने के बाद अब 510, 505 और 490 तक के छात्रों का भी पहले लिस्ट के अंदर काउंसलिंग में जो है वो नंबर आने का पूरा जो है वो चांस बन गया है। तो अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आगे भी EWS के अंदर इजाफा होने वाला है, जिसकी वीडियो नेक्स्ट में आपको बना दूंगा और आपको पूरी जो है वो न्यूज़ बता दूंगा। तो दोस्तों, यह एक खुशी की लहर है जो पूरे देश के अंदर छाई हुई है, उसके अंदर आप भी भाग लें। और बात रही रीनीट की, रिवाइज रिजल्ट की, तो दोस्तों अब जो है वो चांस नहीं है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी जो है वो सफलता नहीं मिली। तो बात यही है दोस्तों कि नेक्स्ट ईयर के लिए सावधान रहें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। और मेरी जो पिछली अभी वीडियो मैंने डाली है एलन और आकाश से रिलेटेड, दोस्तों उनका सच जरूर जानें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें दोस्तों, उसको बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी जाएं और उस वीडियो को ज़रूर देखें, मैंने इससे जस्ट पहले वो वीडियो डाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।